हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकिताज कॉर्नर। तो आज है नवरात्रि का लास्ट डे यानी कि नवमी। तो नवमी को बहुत सारे लोग कन्या खिलाते हैं, बहुत सारे लोग अष्टमी को भी कन्या खिला लेते हैं, लेकिन हम लोग नवमी को कन्या खिलाते हैं क्योंकि हम पूरे व्रत नहीं रहते हैं, हम व्रत पहला और आखिरी रहते हैं, तो इसलिए हम नवमी वाले दिन ही कन्या खिलाते हैं। तो कन्या खिलाने के लिए हम बना रहे हैं प्रसाद। तो प्रसाद में बना रहे हैं हलवा और चने, आलू की सब्जी और पूड़ी। तो ये सारी चीज़ें बनाएंगे हम, साथ में मिलके बनाएंगे। हम मतलब कि हम, मैं और मेरी देवरानी, हम सब साथ में मिलके, हम दोनों साथ में मिलके बनाएंगे और साथ में ही कन्या खिलाएंगे। तो देखिए, हलवा हमारा बन चुका है और ये चने में तड़का लग रहा है। चने बॉईल कर ली है, उसके बाद उसमें तड़का लगा लिया है। और ये अंजलि आटा गूंथ रही है, अंजलि मेरी देवरानी का नाम है, वो किचन में तैयारी कर रही है प्रसाद की, और उधर तैयारी हो रही है और इधर मैं कर रही हूँ घर की पूजा। जो घर में पूजा होती है डेली वाली, वो पूजा मैं पूरी कर रही हूँ। फिर उसके बाद वापस से मैं पूजा करने के बाद किचन में आ जाती हूँ, तब तक कि वो उसने सारा कुछ तैयार कर लिया होता है। मतलब देखिए, आलू की सब्जी बन गई है, चने बन गए हैं और हलवा भी बन गया है। उसके बाद हम साथ में मिलके पूड़ियाँ बना रहे हैं, वो पूड़ियाँ बेल रही है और मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। तो इस तरह से हमारे डेली का काम भी हम लोग ऐसे ही करते हैं मिलके, कुछ वो कर लेती है, कुछ हम कर लेते हैं। और मम्मी जी हमारी बच्चे देखती है, दो बच्चे हैं हमारे पास, छोटे और आशी, वो बड़ी हो गई है। आशी 6 साल की हो चुकी है और दो बच्चे छोटे हैं, अंजलि का भी बच्चा छोटा है और मेरा भी बेटा छोटा है, तो इसलिए मम्मी उन दोनों बच्चों को ही देख रही है। तो देखिए, हमने सारी कन्याओं को बुला लिया है अब। तो कन्याओं को बुलाने के लिए उनके लिए आसन बिछा रहे हैं। तो ये देखिए, चादर बिछा दिया है, उन पर कन्याओं को बिठा दिया है। उसके बाद हम सभी के पैर धुला रहे हैं, एक एक करके पैर धुला रहे हैं, पैर पोछ रहे हैं, उसके बाद पैर छू रहे हैं। फिर हम तो इस तरह से कन्या खिलाते हैं, आप किस तरह से करते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरह से कन्या खिलाया जाता है। और हमने अगर कुछ गलत किया है तो वो भी बताइएगा कि इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पर नई हूँ, मैं भी व्लॉगिंग करना मैंने नया नया ही शुरू करा है, तो इसलिए मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप बस उनको इग्नोर करिए और व्लॉग एंड तक देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मुझे मोटिवेशन होता है। तो देखिए, इस तरह से हमने कन्या खिलाई, सबकी प्लेटें लगा दी है। फिर उसके बाद कुछ थोड़ा थोड़ा सा निकाला जाता है जो आग में डालते हैं। अग्यारी हमने पहले बना ली थी, उसमें सारे बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सा निकाल के डाल दिया है। बस उसके बाद सबको कन्या खिला दिया है। लास्ट में पैसे दे के और फल दे के सबको बाहर भेज देते हैं। और ये देखिए, लंगूर जो कि नीम की पत्ती सभी को मार रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, आपके यहाँ कैसा होता है कमेंट में ज़रूर लिखेगा। और हाँ, मेरा दूसरा ब्लॉग 2 बजे आएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत बिजी रहा है और बहुत सारा नया नया चीज़ें की है हमने, तो इसलिए एक ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था, तो हमने 2 पार्ट में उसको बनाया है। तो दूसरा ब्लॉग 2 बजे आएगा, पहला ब्लॉग 11 बजे आप लोगों के सामने आ चुका है और दूसरा ब्लॉग 2 बजे आएगा, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलिए। तो घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ स्कूल, आशी के स्कूल PTM में। तो आशी के हाफ ईयरली का रिज़ल्ट आया था, जिसमें उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, वो 1st डिवीज़न से पास हुई है। और स्कूल में ही लगा हुआ था रावण, तो मैम कह रही थी कि आप लोग थोड़ी देर और रुकिए, रावण दहन देख के जाइए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हम शिवाय को घर छोड़ के आए थे, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी बस वीडियो बना ली है रावण की और हम घर आ गए। और वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।